ये जो पॉलीथिन है ये पॉलीथिन भी अभी भी उतारा नहीं गया है। KTM की तरफ से आने वाली है ड्यूक 250। तो ड्यूक 250 की प्राइस क्या रहने वाली इंक्लूडिंग क्रैश गार्ड एंड ऑक्सिलरी लाइट। अब रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 500। गाइस इसकी प्राइस रहने वाली ओनली 40,000 हमारी ऑडियंस के लिए। अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आ रहा है तो ये प्राइस रेंज रहने वाली है। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस एज पर योर हैवी डिमांड हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत सारा डिमांडिंग गाड़ियाँ। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं आरवी मोटर्स पे। आरवी मोटर्स जो है वो है सोनाई रोड पे। और गाइस आज की वीडियो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हो। और यहाँ पे आज की जो हाईलाइट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारी ड्यूक की गाड़ियाँ हैं, रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ हैं और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी गाइस। सो विदिन अ काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 वी स्टार्ट। सो गाइस आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे बजाज पल्सर 220F की तरफ से। और बजाज पल्सर 220F की प्राइस क्या रहने वाली है 72। गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 72,000 गाइस। और गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया है ये है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 4V जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है 115 रहने वाली है गाइस। और इसका कंडीशन बहुत ही सही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो पॉलीथिन है ये पॉलीथिन भी अभी भी उतारा नहीं गया है। तो इसका कंडीशन आप लोग देख ही सकते हो कितना सही कंडीशन के साथ है। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली डोमिनर खड़ी हुई है रेड कलर की। और यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा विंडशील्ड भी लगी हुई है गाइस। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 125। गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है 125। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे रखी हुई है KTM की तरफ से आने वाली है ड्यूक 250। तो ड्यूक 250 की प्राइस क्या रहने वाली है 128,000 रहने वाली है गाइस इसकी प्राइस। और गाड़ी का कंडीशन मेरे को काफी सही लग रही है। और गाइस अगर इस तरफ से हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली थंडरबर्ड 350 खड़ी हुई है जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई है इंक्लूडिंग क्रैश गार्ड एंड ऑक्सिलरी लाइट। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 120,000 रहने वाली ओनली गाइस। और इसका कंडीशन मेरे को बहुत ही सही लग रही है। यहाँ से आप लोग इंजन चेक कर सकते हो नहीं कि नहीं अभी भी खड़ी हुई है। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी सही है, आप लोग एक बार आके डेफिनेटली चेक कर सकते हो और टेस्ट राइड भी ले सकते हो गाइस। और गाइस फिर से हम लोग इस तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर रखी हुई है। ये जिक्सर कौन सी वाली है 250 या 150 है गाइस? ये 160 सेगमेंट की जिक्सर है। और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली ओनली 80,000। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ। रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 350 और क्लासिक 350 की प्राइस क्या रहने वाली है 125,000 रहने वाली है गाइस। और इसका कंडीशन भी काफ़ी सही है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है, क्रैश गार्ड भी इंक्लूडेड है। और इसके साथ आप यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट भी लगी हुई है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 75। गाइस इसकी प्राइस रहने वाली ओनली 75,000। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे तो ब्लू कलर की यहाँ पे पल्सर 220F रखी हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस ओनली 72,000 रहने वाली है। और उसके बाद अगर आप लोग वहाँ से देख सकते हो बजाज पल्सर की तरफ से आने वाली 150 रखी हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है? तो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली ओनली 65,000। सो गाइस ये वाली जो वीडियो है इसमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बहुत सारी गाड़ियां हैं। और यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली क्लासिक 500 है ना ये। तो गाइस ये क्लासिक 500 है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 30। सो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली 130,000। और गाइस इसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो यामाहा की तरफ से आने वाली वर्जन 2.0 FZ है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 67,000 रहने वाली है गाइस। और इसका कंडीशन मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और गाइस FZ के बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 नियो खड़ी हुई है। तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस ओनली 75,000 रहने वाली है गाइस। गाड़ी का कंडीशन एकदम चकाचक टकाटक न्यू है गाइस। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 150 जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस ओनली 78,000 रहने वाली है। और गाड़ी का कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और उसके बाद यहाँ से आप फिर से चेक कर सकते हो सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर खड़ी हुई है। इस जिक्सर की प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 65,000 गाइस। सो और तो गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली एवेंजर 220 खड़ी हुई है जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है हमारी ऑडियंस के लिए 65,000 गाइस। और ये जो प्राइस है ये सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए, अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आ रहा है तो ये प्राइस रहने वाली है। और हालांकि हमारे चैनल का नाम जब भी लोगे तो यहाँ पे प्राइस और भी कम हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आप लोग फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे यामाहा की तरफ से आने वाली R15 है जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है 1,30,000 रहने वाली है गाइस। और इसका कंडीशन देखो काफ़ी ज़्यादा सही है और यहाँ से भी चेक कर लो। और गाइस इसके बाद यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो सुजुकी की तरफ से आने वाली यहाँ पे एक्सेस खड़ी हुई है और एक्सेस की प्राइस क्या रहने वाली है 50। तो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 50,000। एंड गाइस इसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, हीरो की तरफ से आने वाली मैस्ट्रो खड़ी हुई है। और ये कौन से साल की मॉडल होगी गाइस? ये 2017 की मॉडल है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 43,000 का। और गाइस आप सभी का चाहिए था टीवीएस की तरफ से आने वाली एंटॉक 125, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 68,000 ओनली गाइस। और ये कौन से साल की मॉडल ये गाइस? ये 2021 के मॉडल है गाइस। लिटरली गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है। और उसके बाद गाइस यहाँ से चेक कर सकते हो वेस्पा खड़ी हुई है और ये विंटेज वाला एडिशन है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 55। गाइस ये ओनली 55,000 देकर आप घर लेकर जा सकते हो। और उसके बगल में यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाओ तो यहाँ से और एक बसपा खड़ी हुई है, वो कि ब्लैक कलर वेरिएंट में है, ये मैट ब्लैक कलर में, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 50। गाइस इसकी प्राइस भी 58,000 रहने वाली है। और लास्ट यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली ग्रेजिया खड़ी हुई है, तो ग्राजिया की प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 52,000 फॉर आवर व्यूअर्स। सो गाइस आप लोगों का बहुत कमेंट रहता है कि कम रेंज वाला गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाले कम रेंज का गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पल्सर, ये 125 है ना, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 65। गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 65,000 गाइस। और उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा है, हीरो की तरफ से आने पैशन है ना, अच्छा, तो पैशन की प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 35,000 गाइस। एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली डिस्कवर खड़ी हुई है, तो डिस्कवर की प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली है 40,000 ओनली, 2018 की मॉडल है गाइस। और इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग चेक करोगे तो होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 30,000 गाइस। और उसके बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिए होंडा की तरफ से आने वाली ये एविएटर है ना, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 48,000 गाइस। और उसके बाद यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली डियो खड़ी हुई है, तो डियो की प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 35,000 गाइस। सो गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो होंडा की तरफ से आने वाली ये एविएटर खड़ी हुई है और जिसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 30,000 गाइस। और उसके बाद गाइस होंडा की तरफ से आने वाली एक्टिवा खड़ी हुई है, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है 30, तो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली है 30,000 ओनली गाइस। एंड यहाँ से अगर आप लोग चेक कर सकते हो हीरो की तरफ से आने वाली डुएट खड़ी हुई है, तो डुएट की प्राइस क्या रहने वाली है गाइस ओनली 43,000 देकर आप डुएट घर लेकर जा सकते हो। और लास्ट में यामाहा की तरफ से आने वाली रेजेडर है, तो रेजेडर की प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 48,000। तो गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली एवेंजर 220 रखी हुई है ब्लू कलर में, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस? इसकी प्राइस रहने वाली है ओनली 40,000। और उसके बाद यहाँ पे और एक रखी हुई है 220 स्ट्रीट, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 48,000 गाइस। और अगर यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर NS 160 है, NS 160 की प्राइस क्या रहेगी ओनली 68,000 गाइस। और इसके बाद यहाँ से हम चेक कर सकते हो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है ओनली 32,000 गाइस। एंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 220F है, तो इसकी प्राइस क्या रहेगी गाइस? ये ओनली 50,000 देकर घर लेकर जा सकते हो गाइस। और यहाँ से फिर से चेक कर सकते हो और एक हंग रखी हुई है और इस हंग की प्राइस क्या रहने वाली है 32, तो गाइस इसकी प्राइस रहने वाली ओनली 32,000 गाइस। एंड NS 160 ओनली 68। एंड लास्टली हमारी जावा, इस लास्ट में यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो जावा खड़ी हुई है 125 में, आप इसको घर लेकर जा सकते हो। गाड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट कॉमन बाइक से। और पीछे आप लोग चेक कर सकते हो गोडाउन पूरा भरी पड़ी हुई है गाइस। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूक 200 से, क्योंकि ड्यूक का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था आप लोगों की तरफ से, तो इसके लिए हम लोगों ने ढूंढ के लेकर आया है। और सबसे पहले यहाँ पे ड्यूक खड़ी हुई है 200, तो इसकी प्राइस क्या रहने वाली है गाइस इसकी प्राइस रहने वाली 1,10,000 ओनली गाइस। और गाइस यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है। तो गाइस मैं एक एक करके हर एक गाड़ी का वैसे प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर डिस्कस करने लग गया तो फिर ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे और गोडाउन में जितनी सारी भी गाड़ियाँ रखी हुई है सबकी इंडिविजुअली प्राइस आप लोगों को बताएंगे। और अगर आपको कोई गाड़ी पसंद भी आ गई होगी और आपको चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी पूछ के आ सकते हो पे। और आने से पहले एक बार भैया से कंफर्म करवा लीजिएगा कि यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं। मैं नहीं चाहता मेरा कोई ऑडियंस यहाँ पे आए और खाली हाथ घूम के जाए, तो उसके पहले एक बार आप फोन करके पूछ लीजिएगा कि अगर गाड़ी अवेलेबल है तो डेफिनेटली गाइस आइए और अपना पसंदीदा गाड़ी लेके जाइए। और उससे पहले और हमारा चैनल का नाम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हो तो डेफिनेटली बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और ये जो शोरूम है ये अवेलेबल है आपके सोनाई रोड में और इसका नाम है आरवी मोटर्स। और इसका डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाता है तो गाइस बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, मैं बेझिझक आप लोगों को आंसर करने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। और इसके साथ गाइस हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दियो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे इसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।